टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मध्य प्रदेश के नीमच से एक तालिबानी चेहरा सामने आया है, जहां दबंगों ने एक व्यक्ति को पिकअप वैन से बांधकर करीब 100 मीटर तक घसीटा है। नीमच के एसपी सूरज कुमार वर्मा ने बताया है कि 26 अगस्त की सुबह में ही 6 आरोपियों ने कान्हा नाम के इस व्यक्ति को पहले एक्सीडेंट करके गिरा दिया, उसके बाद उसके साथ जमकर मारपीट की और इसी मारपीट के दौरान वहां से गुजर रहे एक पिकअप वैन को इन आरोपियों ने रोक लिया और कान्हा उर्फ कन्हैया लाल के पैर को इस पिकअप वैन से बांध दिया और करीब 100 मीटर तक इसे घसीटा गया। आखिरकार इलाज के दौरान कान्हा उर्फ कन्हैया की जान चली गई। भारत में अब एक अलग ही माहौल बनता जा रहा है। नीमच में आदिवासी कान्हा को पिकअप से घसीटा गया और वहीं मध्य प्रदेश में ही चूड़ी बेचने वाले की पिटाई की गई, उज्जैन में कबाड़ी वाले की पिटाई की गई, अजमेर में एक फकीर की पिटाई की गई, जबकि मथुरा में एक ढोसा बेचने वाले की जमकर पिटाई की गई। और सरकारें कह रही हैं कि भारत में कानून व्यवस्था सब ठीक। अगर सब ठीक है तो फिर ये अराजकता तालिबानी क्रूरता कैसे हो रही है? इस नीमच मामले में 8 आरोपी हैं। पिकअप कार, मोटरसाइकिल और रस्सी पुलिस ने जब्त कर ली है। 8 आरोपियों में से 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि 3 आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं मुख्य आरोपी महेंद्र गुर्जर के घर पर पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई की है और बुलडोजर से महेंद्र गुर्जर के घर को तोड़ दिया है। इसमें जो वीडियो भी इसमें वायरल हुआ था, ये 26 तारीख के मॉर्निंग की घटना है, जिसमें एक कान्हा कन्हैया लाल भील जो है, इसको इन्होंने एक जगह पर एक्सीडेंट करके रोका और उसके बाद मारपीट और उसके बाद रस्सी से बांधकर भी थोड़ी दूरी तक उसको खींचा गया है। और इस पूरे प्रकरण में 304, 302 और SC/ST की धाराओं में FIR पंजीबद्ध किया गया है। कुल अभी तक 8 आरोपी आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें 5 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। जो घटना में जो प्रयुक्त पिकअप वाहन था और अन्य जो वाहन, जो मोटरसाइकिल और एक और स्विफ्ट गाड़ी है, इन सभी को भी जब्त कर लिया गया है और बाकी भी जो आरोपी हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा।